सेंट जोसेफ के कॉन्वेंट स्कूल में से पढ़ने वाली एक 14 वर्षीय बालिका को उसकी कक्षा के छात्र के द्वारा ही अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप के किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बालिका को उसके फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके बलात्कार का शिकार बनाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह कॉन्वेंट स्कूल में से पढ़ने वाली 14 वर्षीय बालिका को उसी के कक्षा में पढ़ने वाले आरफ खान ने करीब एक महीने पहले अपने मोबाइल में छात्र को उसी का फोटो दिखाया है और फोटो के वायरल करने की धमकी देकर उससे मिलने को करने लगा है और उसने फोटो वायरल करने की धमकी देकर वह छात्रा से रुपए भी लिए हैं। फोटो वायरल होने से वह डर से बालिका उसकी मांग पूरी करने लगी है और विगत 9 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपी अफान खान ने बालिका को फोन लगाकर कहा है कि वह अपने एक दोस्त के साथ उसके घर आ रही है। आरोपी आरफ खान ने भी उसे अपने ही एक साथी अजौफ खान को लेकर वह बालिका के घर पहुंचा है। कल एक ऐसा प्रकरण पुलिस के सामने आया है जिसमें एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ में उसी के क्लासमेट्स जो दो लोग हैं उन लोगों ने गलत काम किया और उसका फोटो खींचा है जिसके बेसिस पर वो उन्हें उसे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। इसके बेसिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया और दोनों ही जो इसमें आरोपी हैं बताना चाहूँगा वो भी बालापचारी ही हैं। उनको पुलिस सर पहले से ब्लैकमेल करते आ रहे थे कब से ब्लैकमेल कर रहे हैं बस अभी पिछले 10 दिनों की घटना बता रही है। सेकंड वन सर 3 तलाक के कितने मामले आए हैं और क्या कुछ बात निकल के सामने है जिले में पिछले 10 दिनों में देखा जाए तो रतलाम में 2 मामले हुए हैं, एक आईए रतलाम में और दूसरा ताल थाना अंतर्गत मामले पंजीबद्ध हुए हैं 3 तलाक के और इसमें पुलिस दोनों में ही मामला पंजीबद्ध करके विवेचना कर रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे वो माननीय मजिस्ट्रेट समक्ष प्रस्तुत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप पे हमने 3 तलाक दिए थे क्या कैसे क्या किया एक मामले में तो व्हाट्सएप के माध्यम से बता रहा दूसरे में लिखित बता रहे हैं। के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को